नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः श्री गुरुभ्यो नमः। आज दिन परम पवित्र दिन है। हमको पूरा हिंदी मालूम नहीं, किंतु आज इधर से आए हुए तो संजय राय निमंत्रण में फिर से आज दिन इधर से आएगा। बहुत बहुत खुशी है। कृषक के लिए, किसान के लिए, सबके लिए गरीब के लिए सबके लिए संजय राय अत्यद्भुत कार्यक्रम से इधर में चालू है। बहुत खुशी है। मानव सेवा माधव सेवा, मानव हृदय में भगवंत आवास है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवानुपश्यति। हिंदू संप्रदाय में सब हृदय में कुल मत जाति अतीत में भगवंत सर्व हृदय में निवास है। मानव सेवा माधव सेवा है। संजय राय अत्यंत प्रियम शिष्य है। हमको बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। मम मत से विशाखाशी शारदा पीठम माता जी के परिपूर्ण अनुग्रह आशीर्वचन। नारायण नारायण नारायण। मैं एक शुद्ध रूप से व्यापारी आदमी, बिजनेस मेरा धर्म है, बिजनेस मेरा कर्म है और बिजनेस मेरी वाणी है, बिजनेस मेरा वर्तन है। हम एक सपना लेकर के आए हैं, हर हाथ में काम। आप भी बोलेंगे मेरे साथ, हर हाथ में काम, हर हाथ में काम, हर हाथ में काम, हर जेब में काम। ये बोलेंगे हर हाथ में काम। दोस्तों, आज गाजीपुर जिले की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम चार नए नए आयाम लेकर के आए हैं। खेती के अति आधुनिक तरीके से खेती कैसे की जाती है, मेरे प्रकल्प में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, पशुपालन और एमएसएमई मिनिस्टर दो बार आ चुके हैं। इन 19 वर्षों में दो बार आए हैं देखने के लिए कि खेती कैसे की जाती है। मैं भी एक किसान हूं, आप देख लीजिए, लेकिन मैं गरीब नहीं हूं, क्योंकि मैं खेती के साथ इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप किया। खेती के साथ लोगों को कैसे रोजगार का अवसर प्राप्त हो उस पर हमने काम किया। किसी खेती के साथ कैसे आधुनिक तरीके से खेती की जाए उस पर हमने काम किया। पशुपालन को अपना मुख्य इनकम का स्रोत बनाया हमने। हमने खेती और पशुपालन को इंटीग्रेटेड सिस्टम से करके जो आज भारत के किसान का जो एवरेज आय इनकम है 1,26,000 रुपए है, हम गारंटी देते हैं कि 3,00,000 रुपए आप कमा सकते हो प्रति एकड़। ये आयाम को हम लेकर के आए हैं। जिस तरीके से 1906 में महामाना मदन मोहन मालवीय जी ने एक परिकल्पना की थी, पूरे देश से चंदा मांग मांग के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनाया, मैं उनका